मैं सृष्टि एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने परिवार यूनिक ऑनलाइन गुरु पर। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही मस्त होंगे। तो चलिए फटाफट जुड़ जाइए इस चैनल से, क्योंकि आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत जबरदस्त इन्फॉर्मेशन। बहुत से लोग काफी दिनों से वेट कर रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए एक बढ़िया सा इन्फॉर्मेशन लेके आए, जो की आप लोग बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। ज्यादातर बीसीए स्टूडेंट, जो लोग बीसीए कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन और बहुत ज्यादा यूजफुल होगा ये इन्फॉर्मेशन। तो फटाफट दोस्तों आप इस चैनल से जुड़ जाइए, यूनिक ऑनलाइन गुरु यूट्यूब चैनल जो आपका ये चैनल है, इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी हम इससे इन्फॉर्मेशन रिलेटेड जो भी आपकी जानकारियां आप लोगों के पास लेके आए वो आप लोगों तक पहुंच सके। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का क्या टॉपिक है आप लोगों के लिए। देखिए आज आप लोगों का टॉपिक है टॉप 10 बीसीए हाई प्लेइंग जॉब। आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए कि ऐसे टॉप 10 कौन से कोर्सेज हैं जिसको करके हम लोग हाई प्लेइंग जॉब कर सकते हैं बीसीए का करके। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं टॉप 10 बीसीए हाई प्लेइंग जॉब, तो देख लेते हैं फर्स्ट नंबर पे क्या है। फर्स्ट नंबर पे आपका दोस्तों आ जाता है डेटा साइंस। डेटा साइंस क्या है कि आपका डेटा साइंस करने पे, मैं आज आप लोगों को टॉपिक बताऊंगी ये सारी चीजें कि ऐसे क्या है, मतलब बीसीए करने के बाद बहुत से स्टूडेंट्स परेशान होते हैं कि मैं तो बीसीए कर रहा हूँ, क्या बीसीए करने के बाद हम किस फील्ड में जा सकते हैं, कौन सी जॉब कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा आज आप लोग क्यों ना टॉप 10 बीसीए हाई प्लेइंग जॉब के बारे में बताएं कि आप बीसीए का कोर्स करके आप इन सारे फील्ड में जाकर के अपनी अच्छी से अच्छी जॉब कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पे आपका ये है दोस्तों डेटा साइंस। डेटा साइंस के बारे में ये सारी चीजें हैं, तो डेटा साइंस का आप कर सकते हैं। सेकेंड नंबर पे आज मैं आप लोग को सिर्फ ये बताऊंगी कि ये सारी चीजें होती है। फर्स्ट नंबर पे आपका डेटा साइंस है, सेकंड नंबर पे आपका जो होता है बैंकिंग है, बहुत सारी चीजें हैं। तो मैं आपको कुछ सारी चीजों में से मैं आपको टॉप 10 के बारे में बताऊंगी, फिर इसके बारे में हम लोग जानेंगे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कि डेटा साइंस क्या होता है, आपका साइबर सिक्योरिटी क्या होता है, ये सारी चीजों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को लेके आएंगे इन सारी चीजों के बारे में कम्प्लीट फुल इन्फॉर्मेशन। तो आज हम बस देख लेते हैं इस वीडियो में कि क्या वो कौन कौन से टॉपिक्स आपके होते हैं। ओके, तो फर्स्ट नंबर पे मैंने देखा आप लोगों को कि डेटा साइंस भी आप कर सकते हैं डेटा साइंस का जॉब। सेकंड नंबर पे दोस्तों आपका कंप्यूटर सिक्योरिटी होता है, ये आप कर सकते हैं बीसीए का कोर्स करने के बाद आप इस फील्ड में भी जाकर के अपनी जॉब को कर सकते हैं और काफी अच्छे तरीके से। मैंने बताया ना कि मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को लेके आऊंगी कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन की डेटा साइंस पूरा कम्प्लीट क्या होता है, कंप्यूटर सिक्योरिटी के बारे में कम्प्लीट डिटेल्स लाऊंगी। फिर देख लेते हैं थर्ड नंबर पे क्या है आपका दोस्तों। थर्ड नंबर पे आपका आ जाता है सॉफ्टवेयर डेवलपर। सॉफ्टवेयर डेवलपर भी बहुत अच्छा है, आप जब बीसीए कर लेंगे तो बीसीए के बाद आप सॉफ्टवेयर डेवलपर भी बन सकते हैं। उसके बाद से हम देख लेते हैं कि फोर्थ नंबर पे ऐसा कौन सा जॉब है जो हम बीसीए के बाद कर सकते हैं। ठीक है, तो फोर्थ नंबर पे आपका आता है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग का बहुत ज्यादा, मतलब सारी फील्ड का अपनी अपनी जगह पे बहुत अच्छा रोल है, बहुत अच्छा जॉब है। बीसीए करने के बाद आप इन सारी जगहों पे जाकर के अपनी अच्छी से जॉब कर सकते हैं। तो फोर्थ नंबर पे मैं आपको बताना चाहूंगी कि डिजिटल मार्केटिंग होता है, डिजिटल मार्केटिंग का भी आप कर सकते हैं। ये डिजिटल मार्केटिंग के बारे में भी अब आपको नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे कम्प्लीट डिजिटल मार्केटिंग क्या है, क्या इसके यूजेज हैं, हम इसको करते हैं तो इसको करने के बाद हम कौन, मतलब क्या जॉब कर सकते हैं, क्या क्या वर्क करना होता है डिजिटल मार्केटिंग में, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आएंगे। बस हम आज ये बताना चाहते हैं कि अगर आप बीसीए कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं कि मैं बीसीए कर रहा हूँ तो मैं क्या जॉब पा सकता हूँ, एंड बीसीए करने के लिए हम बीसीए कर रहे हैं करने के बाद हम क्या जॉब पा सकते हैं, ये सारी चीजें बच्चे सोचते हैं मैं तो बीसीए करने की सोच रहा हूँ बट इसका आगे का क्या स्कोप होगा, क्या चीजें होंगी। तो वही सारी चीजों के लिए मैंने सोचा क्यों ना आज आप लोग को बताएं कि आप लोग परेशान मत होइए, बीसीए करने के बाद आप बहुत से अच्छे जॉब पा सकते हैं और काफी अच्छी सैलरी के साथ। तो बस ये सारे मैं आपको कुछ टॉपिक्स बताऊंगी कि ये सारे टॉपिक्स होते हैं, इसके अंदर के जो कंप्लीट कंटेंट होंगे मैं वो नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगी आप लोगों को बहुत जल्द, उसमें मैं आपको पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताऊंगी कि डेटा साइंस क्या होता है, डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, कंप्यूटर सिक्योरिटी क्या होती है। बस आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, क्योंकि जब मैं अगर नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँ आप लोगों के पास कि डिजिटल मार्केटिंग का पूरा कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन क्या होता है, तो जब आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी तो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। तो प्लीज आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिएगा और अपनी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करिएगा। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है ऐसा। वेब डेवलपर, आप वेब डेवलपर भी बन सकते हैं बीसीए का कोर्स करने के बाद। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे ये सारी चीजें हैं, तो वेब डेवलपर भी हम बन सकते हैं। फिफ्थ नंबर पे आपका ये है
फिर हम देखते हैं नेक्स्ट डियर, नेक्स्ट आपका आता है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन भी आप बन सकते हैं। ये सारी चीजें मैं बस आपको एक छोटा सा आपको बस कंटेंट एक छोटा सा आपको रिव्यू दिखा रही हूँ कि ये सारी चीजें हैं। इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द आने की कोशिश करेंगे। आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, बस इतना आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सके कि जो लोग परेशान होते हैं कि मैं बीसीए कर रहा हूँ लेकिन मुझे जॉब में क्या क्या चीजें मिलेंगी, मैं क्या आगे अपना कर सकता हूँ, क्या मुझे स्कोप होगा, तो वो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को बता, ताकि आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना होते हुए अपनी बीसीए की जो भी सेमेस्टर की क्लासेस आप कर रहे हो उसको बढ़िया से अपनी तैयारी को कर सके, ताकि आप लोग अपने एग्जाम को और अपने नॉलेज को अच्छा कर सके। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कि हमारा 7 नंबर पे कौन सा आएगा। एक टॉपिक है सिस्टम एनालिटिक्स, सिस्टम एनालिटिक्स भी आप कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा है। मतलब ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, इसी के बाद आप बहुत अच्छे से अच्छे स्कोप है आपको करने के। तो ये मैंने देखा आपको कि 7 नंबर पे आपके सिस्टम एनालिटिक्स है, आप सिस्टम एनालिटिक्स भी बन सकते हैं। उसके बाद से 8 नंबर पे आपका आता प्रोडक्ट मैनेजमेंट। प्रोडक्ट मैनेजमेंट कभी, क्योंकि भाई देखो आजकल क्या है कि आपकी जो सारी चीजें आप कोई भी वर्क कर रहे हैं, आप बीसीए कर रहे हैं, ओ लेवल कर रहे हैं, चाहे आप कोई भी तैयारी कर रहे हैं आप किसी भी चीज की, जैसे मैंने एक दो एग्जांपल आपको दिया। तो अगर आप बीसीए मतलब कि साइंस, आजकल क्या है कंप्यूटर की बहुत ज्यादा डिमांड है, तो कंप्यूटर की जगह आपका बीसीए भी कंप्यूटराइज बेस्ड ही है, कंप्यूटर से रिलेटेड ही बीसीए का कोर्स है। आप बीसीए से ही जान लें बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो जाहिर सी बात है कि सारी की सारी चीजें आपका कंप्यूटर, इसमें प्रोग्रामिंग है, मैथ्स है, मैथ्स रिलेटेड मतलब बहुत सारी चीजें। तो ये आपके 8 नंबर पे आ गया प्रोडक्ट मैनेजमेंट, मतलब आप बीसीए का कोर्स करके आप प्रोडक्ट मैनेजमेंट का भी जॉब पा सकते हैं। ओके, आई होप मैं पूरी कोशिश करूंगी कि हाँ कहीं भी आप लोगों को कोई भी इन्फॉर्मेशन देने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई होगी, तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए, क्योंकि आपके चैनल के डिस्क्रिप्शन में कुछ कॉन्टेक्ट नंबर मेंशन है, मैं यहाँ पे भी कुछ कॉन्टेक्ट नंबर आपको विजिट करा दूंगी, आप वहां से भी हमें कॉल व्हाट्सएप मैसेज करके अपने जो भी डाउट्स होंगे वो आप उसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ओके, कि इन सारी चीजों के लिए आपको इस चैनल से जुड़ना पड़ेगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करने पड़ेंगे, क्योंकि आपके दोस्त भी आपके साथ होंगे, आपके रिलेटिव भी आपके साथ होंगे जो कि बीसीए या फिर किसी भी कोर्स की तैयारी कर रहे होंगे, तो वो लोग भी थोड़ा परेशान हो रहे होंगे, तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि वो लोग भी परेशान ना हो और उन लोगों को इन्फॉर्मेशन भी मिल पाए। ओके, तो हम देख लेते हैं कि हमारे 9 नंबर पे ऐसा कौन सा है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब आईटी का आपको तो बहुत ज्यादा ही डिमांड है। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सारी की सारी चीजें क्या है, आपका बेस फंडामेंटल भी, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का नाम तो बहुत से लोगों ने सुना, बहुत से क्या फंडामेंटल आपका बेस है कंप्यूटर का, यहीं से सारी चीजें पता चलती हैं कि चीजें क्या है, कैसे हैं, कंप्यूटर की शुरुआत कैसे होगी, मतलब फंडामेंटल से में ही आपको सारी चीजें पता होना स्टार्ट करता है, फिर धीरे धीरे हमारे प्रोग्रामिंग से जावा है, पाइथन है, सी लैंग्वेज है, जावा स्क्रिप्ट है, एचटीएमएल है, मतलब बहुत सारी चीजें अदर कोर्सेज पे अदर से। बीसीए के लिए मतलब आप बीसीए का कोर्स करने के बाद इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी आप अपना अच्छा खासा जॉब कर सकते हैं अच्छे खासे सैलरी के साथ। 10 नंबर पे हम देख लेते हैं, सबसे लास्ट नंबर पे आपका 10 नंबर पे है बैंकिंग। बैंकिंग का भी आपका बहुत ज्यादा है कि आप बैंक में भी अच्छे से अपना जॉब कर सकते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि बैंकिंग में अपने जॉब को कर रहे हैं, बैंक में भी जाकर के बीसीए स्टूडेंट्स हो गए, बीएससी के स्टूडेंट्स हो गए, बीएससी आईटी के स्टूडेंट्स हो गए, तो ये सारी चीजें। तो बस मेरा एक छोटी सी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने का मतलब ये था कि बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं परेशान होते हैं कि मैं बीसीए तो कर रहा हूँ लेकिन मुझे समझ में नहीं आता है, मैं तो मतलब क्या होता है कभी कभी मेन होता है आप लोग का इंटरेस्ट, अगर आपका इंटरेस्ट है बीसीए में तो आप बीसीए तब थोड़ा इंटरेस्ट जगता है, क्योंकि हमें थोड़ी चीजें उसके बारे में पता होती है, तो ऑटोमेटिक इंटरेस्ट हमें जगह लगता है कि हाँ मैं ये करूंगा या ये करने की सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ ये सारी चीजें। तो बहुत से बच्चे परेशान, तो मैंने कहा डियर आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए, क्योंकि आपका जो अपना परिवार है ये आप लोगों की सारी समस्याओं को सुनेगा और उसमें पूरी की पूरी कोशिश करेगा कि उसपे, बहुत से स्टूडेंट्स अभी मैंने काफी वीडियोस थी उसमें बच्चों के कमेंट मैंने देखा कि बच्चों का कि फर्स्ट सेमेस्टर में तो मैथ्स के कुछ वीडियोस चाहिए, देन उसके बाद से फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ सिलेबस चेंज हुए, कुछ ज्यादातर डियर सिलेबस चेंज हुए, सारे सिलेबस थोड़े बहुत आपके सिलेबस चेंज हुए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को ये भी बताने की कोशिश करूंगी, लेके आऊंगी बहुत जल्द कि बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर में इस यूनिवर्सिटी में आपके इतने सारे सिलेबस होते हैं, देन आपके इस यूनिवर्सिटी में इतने सारे सिलेबस होते हैं, तो ये सारी चीजों के लिए आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइएगा, बस आप लोग इस चैनल से जुड़िएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोग अगर बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे तो मैं जो भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए लेके आऊंगी वो आप लोगों के पास पहुंच सकेगी, आप लोग को बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। और जो भी स्टूडेंट किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं, बीसीए की तैयारी कर रहे हैं कोई भी, तो वो लोग बिल्कुल भी हमारे चैनल से जुड़े, हमारा एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे
यूनिक ग्रुप का, तो वहां जाकर के यूनिक ग्रुप ऐप को डाउनलोड करें और अपने मन चाहे कोर्स को ज्वाइन करें, चाहे वो कोई भी कोर्स हो, सर्टिफिकेट का कोई कोर्स अगर उन्हें करना है, डीएफए, टैली, ओ लेवल, टाइपिंग, जो भी करना है, और अगर उन्हें सर्टिफिकेट भी की रिक्वायरमेंट हो तो सर्टिफिकेट भी ज्वाइन कर सकते हैं कम से कम फीस में, बहुत ही बेहतरीन। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ गई होगी जो मैं आप लोगों के लिए छोटी सी इन्फॉर्मेशन आज लाने की कोशिश की। तो अगर आप लोगों को दोस्तों ये वीडियो पसंद आ गई है तो आप इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि जो लोग भी अभी जिनको नहीं पता है वो लोग भी कर सके। हाँ, मैंने कहा कि अगर आप लोग को इन्फॉर्मेशन लेनी हो किसी भी प्रकार की, वैसे आपके चैनल के डिस्क्रिप्शन में कॉन्टेक्ट नंबर विजिट हो, आप वहाँ से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो। अगर वहाँ पर आपको कॉन्टेक्ट नंबर नहीं मिल पा रहा तो परेशान मत होइए, मैं यहाँ पे कुछ कॉन्टेक्ट नंबर आपको विजिट कर दे रही हूँ, आप यहाँ पे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। ये आपके कुछ कॉन्टेक्ट नंबर है, आप यहाँ पे विजिट कर लीजिएगा अगर आप लोगों को कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है, किसी भी प्रकार की जानकारी आप। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आ गई होगी, तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिएगा और अपनी नॉलेज को, अपनी कम्युनिकेशन को बढ़ाइएगा। थैंक यू सो मच।